आधी रात पर है कि आधी रात को क्या क्या हुआ था बाबा। लेकिन एक लाइन तर्ज मिला, कहना है अरे बदलत पार हमारो तीस करिया हमारे राजा जी मोरे राजा जी कौन ले दवैया मोरे लेकिन इसी भाव में लोकगीत में कबीर जी कितना बेहतरीन वर्णन कहे हैं, कहना है अरे हरी आगे चल नहीं अरे कौनो ही कमातिया अरे हरी आगे चल नहीं अरे कहू कही कमातिया आधी रातिया में आधी रातिया में भैलिया चरज के बतिया आधी रातिया कहना है कि हरि के आगे चले नाही क्यों कही कि मतिया आधी रतिया में भैली अचरज के बतिया आधी रतिया में। लेकिन कहना क्या है हर पीते दो महाथ जाब हरिश्चंद्र दानी बाबू साहब उस समय की बात है जब दानियों में राजा हरिश्चंद्र का नाम था और स्वयं विश्वामित्र जी दान मांगने के लिए राजा हरिश्चंद्र के यहाँ जाते हैं और 60 भार सोना मांगे, सोना में पूरा राजपाट तक अपना दे दिए बाबूजी और चले गए डोम के घर में। बाबूजी बिक गए और तारा रानी दूसरे के घर में, एक पंडित जी के घर में बिक जाती है और बगीचे से फूल तोड़ने के लिए रोहित जाते हैं और विश्वामित्र जी सांप बन करके काट लेते हैं। शाम की समय है, तारा रानी रोते हुए बिलखते हुए अपने पुत्र रोहित को लेकर के उस घाट पर आधी रात को पहुंचती है जिस घाट की रखवाली राजा हरिश्चंद्र जी कर रहे थे। लेकिन कहना का है हर कर्म ने राजा आईले हर अपनिया वरतिया आधी रातिया में आधी रातिया में भैलिया चरज के बतिया आधी रानी तारा हरिश्चंद्र महाराज के सामने खड़ी बेटे की लाश को लेकर के राजा हरिश्चंद्र जी ने रोक दिया, कहा कि इस घाट का रखवार मैं हूं, बगैर मैं कर लिए लाश को जलाने नहीं दूंगा बाबूजी। उस समय तारा आंखों में आंसू लिए अपने आंचल को फाड़ करके राजा हरिश्चंद्र को कर के स्वरूप में देती है।
तब रोहित की लाश को उस मरघट पर जलाते हैं बाबूजी। आधी रात की बात है, लेकिन आधी रात में और कहा है, कहना है। अरे आधी रात चंदा बोला मुर्गा की बोली, की बात है बाबूजी। इंद्र महाराज चंद्रमा से पूछने लगे, ये चंद्रमा तू तो रात में भ्रमण करता है, ये बता कि संसार में किसकी नारी जो है बहुत सुंदर है। विश्व सुंदरी। तब ओ चंद्रमा इंद्र महाराज से कहते हैं कि महाराज गौतम ऋषि की नारी जो है बाबा विश्व सुंदरी है, उससे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। इंद्र महाराज इतनी बात को सुन करके आज इंद्र का ईमान डोल गया बाबूजी, डगमग हो गया। और चंद्रमा से कहते हैं कि चंद्रमा तो चल करके आधी रात में मुर्गा बन करके बोलो, ताकि मैं गौतम ऋषि के नारी के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकूं। आधी रात में चंद्रमा मुर्गा बन के बोलत है, कहना का बात। अरे आधी रात चंदा बोला मुर्गा की बोली, ऋषि के कुटिया पर जब चंद्रमा मुर्गा बन के बोल दिए, तो गौतम ऋषि समझ ले कि सवेर हो गए, बा कमंडल उठाए चला लिए, चला जाते हैं गंगा के किनारे। गंगा जी के किनारे पहुंच करके बाबूजी कमंडल बाहर रख करके जैसे गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, वैसे गंगा मैया डांट करके कहती है कि गौतम अरे जानी ना यही इंद्र, अरे जानी ना यही इंद्र लूट लाई जतिया, आधी रातिया में आधी रातिया में भैलिया चरज के बतिया, आधी रातिया में गंगा फटकार देती है कि गौतम जिस तरह से तू आधी रात में आया है मेरे ईमान को डगमग करने के लिए, जाके देख तेरी कुटिया पर इंद्र तेरी इज्जत को बर्बाद कर रहे हैं। गौतम ऋषि कमंडल लेकर के तुरंत भाग करके आते हैं बाबूजी, और इतने में चंद्रमा भी रूप धारण करके निकल जाते हैं, और इंद्र भी वहां से भाग लेते हैं। लेकिन बाबू साहब जब गौतम ऋषि अपनी पुत्री अंजनी से पूछते हैं, तब वो अंजनी बता देती है कि पिताजी आप ही के रूप में कोई आया था। इतनी बात को सुन करके आज अहिल्या जो है अपनी बेटी अंजनी को श्राप दे देती है कि अंजनी जिस तरह से तुम मुझे कलंक लगा रही है, इसी तरह से तुम्हें भी कलंक लगेगा। वही श्राप है जो कि हनुमान जी जब पैदा हुए थे तो बिना पिता के पैदा हुए थे बाबूजी। और जब गौतम ऋषि को पता चला कि चंद्रमा मेरे साथ धोखा किए मुर्गा बनकर बोले बाबूजी, गौतम ऋषि ने अपने मृगझाला को उठा करके बाबूजी चंद्रमा के ऊपर फेंक करके मारते हैं, तब से प्रमाण मिलता है। चंद्रमा की तरफ देखो तो चंद्रमा में दाग दिखाई देता है, वही मृगछाला है। लेकिन अगले बंद में कहना है, अरे हस वासुदेव देव की मुहानहारी, अब कंस की जहलियान जन में मुरारी, जन में मुरारी।
बाबू साहब आज 12 बजे राति में भादव की अंधेरिया में 12 बजे भगवान कन्हैया उस कंस की जेल में प्रकट होते हैं, लेकिन कहना क्या है का? अरे बा भादव अंधेरिया रे भली, अरे रोहिणी नखतिया आधी रतिया, आधी रतिया में बैलिया चरज के बतिया, आधी रतिया लेकिन देखा आगे का होता है। हर जग में जलाए प्रज्ञाशील का दिया नवा, सत्य को समझ गए गौतम बुद्ध महाराज जी, तो उन्होंने 12 बजे राति में अपने घर अपनी नारी अपने बेटे को छोड़ करके और सत्य की राह पर निकल पड़े बाबूजी। और कहना क्या है, अरे रोक नहीं पाए माया, अरे धन दौलतिया आधी रातिया भैलिया चरज के बतिया आधी रातिया। बाबू साहब जब सत्य को जान गए गौतम बुद्ध महाराज, तो अपने घर अपने नारी को छोड़ करके अपने बेटे को छोड़ करके सत्य की राह पर निकल पड़े। और आज उसी राह को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपनाया और इस भारत देश का सुंदर संविधान लिख करके तैयार कर दिए। लेकिन आखिरी लाइन में कहना क्या है, हर रमन बिहारी रतन लाल के प्रीतिया, महानंद यादव जी के लागली पीरतिया आधी रातिया में, आधी रातिया में बैलिया चरज के बतिया, आधी रातिया गनवा उठान होइए बिरना, अरे गनवा उठान होइए बिरना, अरे सबही से बात मोर नाम गनवा उठान होइए बिरना, स्वर छोड़ी जा तू मैहर वाली माँ, अरे तोहरे सहारे हम सब
सभा में गाई हो की गनवाउठान हो जा बिरना। अरे गनवाउठान हो जा बिरना। अरे चला चला सबके उभवनवा गनवाउठान हो जा बिरना। ढोलक हारमोनिया बंद कर दिया भाई और जितना श्रोता यहाँ सब के सिर झुकाई हो कि गनवा उठान हो गया बिरना। अरे गनवा उठान हो गया बिरना। अरे चला सब के कैले भोजन उठान ओ काली मैया।